साधे तभी सधेगा, जो लक्ष्य पे खड़ा है आगे वही बढ़ेगा। अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, रात में सोने के समय एक मिनट उस पर दें, सुबह 10 मिनट उसका प्रयास करें, तो हम समझते हैं यह कारवा जो है बढ़ेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। बच्चे ज्ञान से रहित होते हैं, धीरे धीरे समाज में उनका पालन पोषण होता है और वहीं से वो नैतिकता का पाठ पढ़ते हुए समाज की जवाबदेहियों को अपने पीठ पर लादते हैं। क्या ज़रूरत है समाज को ठीक करने का? हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए समाज को ठीक करना जरूरी है। अगर हम सामाजिक प्राणी ना होते, जंगल में कोई नियम नहीं लागू होता है, समाज में नियम लागू होता है जिस पर सबों का अधिकार होता है और कुछ जरूरी कर्तव्य भी हमारे ऊपर लादे जाते हैं। क्योंकि अगर घोड़ा भी बेलगाम हो जाए तो आप रास्ता तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो हमारे संगठन में भी कहीं कहीं कुछ चीज पाया जाता है। बहुत सुंदर। कहता है कि आदमी क्या नहीं कर सकता, आदमी कुछ नहीं कर सकता है जब उसको समाज का सहयोग न मिले। हम कई जगह गए जातीय बैठकों में, हम साल भर में यह मूल्यांकन करते ना देखे कि हमने जो टास्क लिया उसमें हम कहाँ तक ऊपर उठा सके लोगों को। मूल है एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ वो, और उसी के प्रयास में लगा हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा का क्या स्तर है। अंधकार कुछ नहीं होता है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द एब्सेंट ऑफ लाइट, यह प्रकाश की अनुपस्थिति का कारण है। अगर हम समाज में दिया जलाना शुरू कर दें, यानी ज्ञान देना शुरू कर दें, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उठ करके वो दौड़ना शुरू कर देगा और आपके साथ फिर लोगों की संख्या कभी नहीं रहेगी। क्यों नहीं हम साप्ताहिक बैठकें करें अपने 5-7 साथियों के साथ, रविवार का दिन है, एक बार हम चाय पानी पर, आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ हम भी इस सोए हुए समाज में जहाँ हम चाहते हैं कि कुछ हमको मिले, आप तालाब में मछली भर दो, छोटी मछली, और उसका पालन करो, हर एक खरीदार वहां आकर के आपको खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्यों आप किसी पार्टी में बात जानना चाहते हो? आप किसी पार्टी में मत जाओ, आप इतनी ताकत बना लो कि उसको सर झुका के आपके पास आना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं सच चाहता हूँ